नमस्कार, मैं हूं दीपक सिकरवार और आप देख रहे हैं नमामि भारत। आज हम जिक्र करेंगे आपके साथ में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के बारे में और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के बारे में। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में। गोरखपुर लोकसभा सीट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कभी यह सीट मठाधीशों की हुआ करती थी, गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर की सीट हुआ करती थी। जब से यह सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, विधान परिषद की सीट ग्रहण किया, तब से ये सीट खाली हो गई। इसी प्रकार फूलपुर की सीट के बारे में जिक्र करें तो फूलपुर की भी सीट जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने भी जब से उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया और विधान परिषद की सीट ग्रहण करी तब से यह सीट खाली रहा। दोनों सीटों में कुछ बहुत सारी विशेषताएँ हैं, लेकिन इन विशेषताओं का जिक्र करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जिन जिन पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी जताई है उनके बारे में थोड़ा सा विवरण मैं आपको दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र दत्त शुक्ल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको वो टिकट दी गई है। इनके ऊपर दो केसेस चल रहे हैं, ये करोड़पति व्यक्ति हैं, और दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवीण निषाद साहब, इनके ऊपर कोई केस नहीं है। तीसरी है कांग्रेस से डॉक्टर सुरहिता करीम, पेशे से डॉक्टर हैं, 3 करोड़ रुपये की रकम की बकाए की बात इनके ऊपर कही जा रही है। और इसी प्रकार फूलपुर सीट की तरफ चलें हम तो फूलपुर सीट से कौशलेंद्र सिंह पटेल, जो कि बनारस के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, और इनके ऊपर इनकी पत्नी रितु सिंह पटेल ने जो है आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ तलाक जबरदस्ती लेने की कोशिश करी। इनके ऊपर 2 केसेस हैं और 84 लाख रुपये की इनके ऊपर रकम बकाए की बात कही जा रही है। वहीं अगर जो हम नागेंद्र सिंह पटेल की बात करें तो नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के दोनों के तरफ से ये खड़े हुए अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए रकम की जो बकाए की बात इनके ऊपर कही जा रही है। तीसरे हैं कांग्रेस से मनीष मिश्र जी, जो कि किसी भी प्रकार के किसी केसेस में नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई रकम इनके ऊपर बाकी है। फूलपुर सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, नाम है उनका अतीक अहमद। अतीक अहमद साहब कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा करते थे, शायद ये सबके सोच में कहीं ना कहीं खटक रहा होगा कि ऐसा क्या है कि अतीक अहमद ने वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का अचानक प्रोग्राम बना लिया। कहानी में थोड़ा सा विस्तृत लेके जाऊँगा कि अतीक अहमद साहब जब समाजवादी पार्टी विधानसभा की चुनाव लड़ रही थी तो उस समय इन्होंने ये शिवपाल सिंह यादव से अपना करीबी संबंध बरकरार रखते हुए मुलायम सिंह यादव से भी चुनाव लड़ने की पेशकश किए हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं थे कि इनको किसी भी विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, उनमें कहीं कोई दरार न पड़े, उन दरार को भरने के लिए भी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए इनको परमिशन दे रखा था। लेकिन चुनाव लड़े ज़रूर, ये कहीं से भी जीत नहीं पाए और बाद में धीरे धीरे फिर ये रिश्ते खटास में पड़ने लगे और अतीक अहमद साहब ने फूलपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक अपना योजना बनाया और वहाँ से पर्चा दाखिला किया। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का वोट हासिल तो करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लगने में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इससे बहुत ही फायदा मिलेगा।